हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो ज़रूर से टेक फादर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और उसके साथ ही जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि हम वीडियो डालते ही आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी जानते हैं कि Realme C1 पे आपको अलग से थीम स्टोर नहीं मिलता है। जैसे कि आपको Realme 1 और Realme 2 या फिर आप Realme 2 Pro की बात कर ले तो आपको यहाँ पे थीम स्टोर नहीं मिलता है और आप किसी भी थीम को यहाँ पे अपने कलर वाइज पे और Realme C1 पर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के मदद से आप अपने फ़ोन पर जो थीम से Realme के वो सभी यूज़ कर सकेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अगर बाद में पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करना। तो फ्रेंड्स चलिए, फ्रेंड्स मैं हूं पवित्र, आप देख रहे हैं टेक फादर। तो चलिए फ्रेंड्स बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जी, मैं आपको बताऊंगा कि आप Realme C1 पे जहाँ पे आपको थीम स्टोर नहीं मिलता है अलग से, आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले ही मैं आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के मदद से, वो एक हार्ड लिंक है, आपको उस लिंक के मदद से इस थीम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके मैनुअली इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैनुअली इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको थीम मिल जाएगा अलग से और अलग से आपको वॉलपेपर भी मिल जाएगा। तो आप ज़रूर से यहाँ पे थीम वॉलपेपर दोनों का ही मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थीम स्टोर को ऑन कर लिया है, मेरा नेट अभी ऑन है तो मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं दिखा दूँ थीम स्टोर ऑन करके, मेरा नेट ऑफ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं थीम स्टोर जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी लैगिंग देखने को नहीं मिलेगा। आपको अलग से यहाँ पे बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं, बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, आप जिसको बहुत अच्छी तरीके से अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने काफ़ी सारे थीम्स को डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपके सामने एक थीम को डाउनलोड करता हूँ। तो मैं इस थीम को अगर डाउनलोड करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं सिंपल से यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ये थीम बहुत ही फास्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये जो थीम हो जाएगा डाउनलोड, और उसके बाद कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे सब कुछ है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आपको सिंपल से ये वीडियो अंत तक देखना है। तो आप देख सकते हैं 72% यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और कुछ देर ही यहाँ पर बाकी है। तो आप ज़रूर से यहाँ पर डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर इंस्टॉल देन अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर सिंपल से अप्लाई होगा और अप्लाई होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया सा लग रहा है। अगर मैं आपको लॉक स्क्रीन की दिखाऊँ तो लॉक स्क्रीन भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर देना, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जरूर से कमेंट करना। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही दिखा था और जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स है वो सभी जानते हैं कैसे डाउनलोड करना, तो आप वहाँ से ज़रूर से देखकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है, आपको थोड़ा सा पेशेंट रख के डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए, थैंक यू।